अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां सिमरिया तहसील में विगत 11 दिन से क्रमिक अनशन जारी है। अनशन एसडीएम और नायब तहसीलदार के साथ साथ भ्रष्ट अधिकारियों को क्षेत्र से हटाने की मांग को लेकर किया जा रहा है। 11वें दिन स्थानीय लोगों के द्वारा क्रमिक अनशन जारी रखा गया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रदीप सोहगौरा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब समय आता है तो भ्रष्ट अधिकारी दरवाजा बंद कर छुप जाते हैं। 26 तारीख को किसानों के द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, उससे भयभीत अधिकारी चूहे की तरह बिल में छुप गए। अब आने वाले 15 नवंबर को एक बार फिर उग्र आंदोलन होगा। चेतावनी देते हुए श्री सोहगौरा ने कहा कि जो भ्रष्ट अधिकारी अपनी भलाई चाहते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाएं, क्योंकि यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला बल्कि आगे और बड़ा रूप लेने वाला है। आइए आपको सुनाते हैं अनशनकारियों ने प्रशासन को क्या चुनौती दी है। अभी शुरुआत है, लंबा चलेगा भाई, और इसका अंजाम क्या होगा मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। कोई अधिकारी मुकालते में न रहे, अपना सामान बचाना चाहे तो अपनी अपनी छुट्टी ले लें और इधर उधर खसक जाए, नहीं तो यही वही सामान लेके यहाँ से जाएंगे जो कई पहले भी गए। साथियों, हमारी लड़ाई केवल दो भ्रष्टाचारी अधिकारियों भर को लेकर नहीं, इन भ्रष्टाचारियों के पीछे तो बाकी बातें रुक जाती जो 8 साल। कल बहुत बड़ी किसानों की पंचायत थी, पूरे प्रदेश से लेके जिले से लेके तमाम के पदाधिकारी आए थे, भारतीय किसान यूनियन, वो घोषणा करके गए हैं कि किसान थोड़ी खेती से खाली हो जाए। 15 नवंबर को वो महापंचायत सिमरिया में करेंगे और इस तहसील को जन सैलाब से बांट देंगे, ऐसा किसान यूनियन वाले कहके गए। जलमोरा यहाँ 2/3 सिमरिया जो 84 कहते हैं, 2/3 गांवों का जीवन जलमोहरा में के ऊपर निर्भर है। आज 10 साल से जलमोहरा सूखा पड़ा है। जो भी यहाँ विधायक बनता है, जो अभी बने हैं, अनेक घोषणा, इतनी करोड़ अरबों रुपया जलमोहरा के लिए मंजूर। अब आप हमारे साथ चलो, जनमोहरा मंजूर है तो ये पैसा गया कहां? हमने तो लिख रखा कि जितनी घोषणा हुई है वो बताओ कहां काम हुआ है जनमोहरा। शास्त्री जी के प्रयास से राजमणि जी भी उस समय मंत्री थे, कुमार अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, आए ही थे जनमोहरा, इतनी बड़ी देन शास्त्री जी के प्रयास से यहां आए, लेकिन जो पहले था वो भी आधा पक गया है। तो इतनी जो घोषणा होती है, आज जो 2/3 से ज्यादा सिमरिया चौरासी ये जीवन दायिनी योजना जनमोहरा है, उसके लिए आखिर इन जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? आज जो शासन का पैसा मंजूर हुआ वो कौन डकार गया, कौन खा गया? नल जल योजना ये चली है, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक गांव में 1-1 करोड़ रुपया खा गई। हमारे गांव कप्सा में हमने जब रिकॉर्ड निकाला, 80 लाख रुपया भुगतान हो गया है। सारी सड़कें भी खराब कर दी वो नाली खोद खोद के, ना कहीं ड्रोटी का पता, ना कहीं पानी का पता, वो एक एक गांव में 80-80 लाख रुपए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने यदि पूरे नल जल का हम हिसाब लगाए तो एक तो सड़क के किनारे नाली खोद के सड़कें बर्बाद कर दी और सारा पैसा डकार गए। बड़े बेशर्मी के साथ उसका उद्घाटन भी करते फिर रहे। अभी परसों खंडा के लोगों ने हमें फोन किया कि विधायक जी नल जल का योजना का वो उद्घाटन करने आ रहे हैं, हम लोग विरोध में है। हमने कहा भाई क्यों विरोध में हो? बोले कि न को कहीं नल है और न जल है, अगर उद्घाटन नहीं है
तो ऐसी बेशर्मी है, भ्रष्टाचार हटाना है, को बचाना है। आज तक उसके जो नहीं होते, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता है। वहां के भ्रष्ट कर्मचारियों को हटाने के लिए हम लोगों ने जो मांग करके बैठा है कि जो कर्मचारी यहाँ से हटाए जाए, आज तक ड्रामा दिन हो गया। अरे इसमें कौन सी ऐसी बात है कि कर्मचारी को नहीं हटा सकते, क्या बात है। अगर जनता नहीं चाहती है कि हम अपना नौकर रखेंगे, तो क्या कोई जबरदस्ती है कि उसी नौकर को वहां रखा जाए? नहीं को सरकार क्या चाहती है? अगर हमारा नौकर हमारा ही खेत का बेच ले, हमारा ही फसल को बेच ले, हमारे को ही नुकसान करे, हमारे मवेशिया का नुकसान कर दे, हमारे मवेशी चाकने के लिए ले जाए और नौकर गायब कर दे, हमारे साथ नौकर नहीं रखना चाहते, तो ऐसा क्यों कि उस नौकर को जबरदस्ती रखा जा रहा है? वो किसानों के नौकर है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो, कोई भी हो, ये सभी कर्मचारी किसान के ही नौकर होता है। अगर किसान नहीं चाहता है वो उस क्षेत्र में, तो उनको हटा देने में सरकार को क्या तकलीफ है भाई? कोई नहीं, इसमें कौन सी तकलीफ होना चाहिए? रुपया मिला भ्रष्टाचार अन्याय को हटाने के लिए अगर कोई कहीं लिख दिया तो उसको मिटाओ, उसको हटाओ। अरे ये क्या है, वो तो लिखा है, आज लिखा कल मिट भी जाएगा, पर जो कलंक का दाग लग जाता है वो कभी नहीं छूटता। अगर इंसान के कलंक का दाग लगता है, वो दाग कागज से भी काला होता है, वो दाग नहीं है, वो दाग कभी छूटता नहीं है। तो जिसके कलंक लग जाता है वो नहीं छूटता है।